उन्होंने देश के लिए अपने आप को खपाया। भिन्न भिन्न विचारों के प्रभावों से वो गुजरे थे, वो किसी एक विचार से बंधे हुए नहीं थे, वो खुले मन के थे। वे साम्यवादी विचार प्रभाव से अपने विद्यार्थी काल से प्रारंभ किया, बलते से बदलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक के रूप में भी अपने आप को उभरते थे। वो डरे नहीं थे, उनको चिंता नहीं हुई थी कि दुनिया क्या कहेगी। जब जो सत्य लगा उसके लिए जी लिया, ये जयप्रकाश जी की विशेषता। उस समय जो यातनाएं हुई है, अभी कुमी कपूर जी की एक किताब निकली है, इतना बारीकी से वर्णन है कि कैसे कैसे खास करके कुछ परिवारों को कैसे परेशान किया गया। मुझे स्वामी के साथ काम करने का अवसर मिला। उस समय स्वामी भूगर्भ में थे, हम भी भूगर्भ में थे। हमारे मकरंद देसाई और स्वामी जी विदेश चले गए, क्योंकि हम लोगों को उस समय लगता था कि इंदिरा जी को सबसे ज़्यादा चिंता, दुनिया में उनका ओपिनियन क्या बन रहा है उसकी सबसे ज़्यादा वो कॉन्शियस थी। वो भारत को तो क्या हो रहा है गिनती नहीं थी, इंदिरा जी परवाही नहीं थी उनको, लेकिन दुनिया में उनके प्रति थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए तो वो कॉन्शियस थी। तो फिर हम लोगों ने भी तय किया कि हम भी दुनिया में डंका बजाएंगे। केदारनाथ जी सहानी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे शुरू में, बाद में स्वामी जी गए, मकरंद देसाई गए और मैं यहाँ से लिखा पट्टी का काम करता, क्योंकि सारे वरिष्ठ लोग जेल चले गए थे, हम भूगर्भ में थे। तो उसके कारण मुझे एक पूरे देश के माहौल में लोकतंत्र के लिए जीने मरने वाले लोग, और मूलतः गांधीयन लोग, मूलतः जो गांधीयन लोग थे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। आपातकाल में से जिस प्रकार से संकट आए, उस प्रकार से कभी कभी सोना तपता है ज्यादा निखरता है। इमरजेंसी में भारत का लोकतंत्र तपा और ज्यादा निखर करके उभरा है, और वो जयप्रकाश जी और उनके साथियों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके कारण हुआ है। जुल्म के बीच भी एक जज्बा होता है जो मूल्यों के लिए जीने के लिए ताकत देता है। ये इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक मिला है। इमरजेंसी को याद करके रोते रहना ये मेरी प्रकृति नहीं है। इमरजेंसी को याद करके लोकतंत्र की ताकत को पहचानना और आने वाली पीढ़ियों को पहचान परिचित करवाना, ये समय की मांग है। दुनिया में, हिंदुस्तान में सब लोग मानते